हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। यह जो हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट सर्विस का एग्जाम हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम को समझने से पहले हम लोग इस अधिनियम के पारित होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुए उनको समझ लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन को गठित किया गया था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कि वो क्या और किस तरह से कार्य कर रहा है। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है। 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है साइमन कमीशन। तो भारतीयों ने इस कमीशन का बहुत विरोध किया था, खासकर भारतीयों का कहना था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है। और ब्रिटिश सरकार ने इंडियन लीडर को कहा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं जिसमें भारत की सभी वर्गों का सहमति अनिवार्य होगा तो आप अपना रिपोर्ट बनाकर हमें दीजिए, हम साइमन कमीशन के रिपोर्ट के साथ साथ आपके रिपोर्ट को भी कंसीडर कर लेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाएंगे तब। और फिर भारतीय लीडर जो थे उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार जो थे उन्होंने इंडियन लीडर को चैलेंज दिया कि अगर आप सक्षम है संविधान बनाने में, अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं जिसमें भारत के सभी वर्गों का सहमति अनिवार्य होगा तो आप अपना रिपोर्ट बनाइए और हमें दीजिए, तो हम अपने साइमन कमीशन के रिपोर्ट के साथ साथ आपके रिपोर्ट को भी कंसीडर कर लेंगे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाएंगे तब हम आपके रिपोर्ट को भी कंसीडर कर लेंगे। और फिर भारतीय लीडर ने उनके इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और एक कमेटी बनाया। और इस कमेटी के जो हेड थे वो थे मोतीलाल नेहरू। और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया उस रिपोर्ट को कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट के बाद साइमन कमीशन ने भी अपना रिपोर्ट पब्लिश कर दिया था। कब पब्लिश कर दिया था? 1930 को। 1930 को साइमन कमीशन ने भी अपना रिपोर्ट पब्लिश कर दिया था। और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुआ है इसमें मुस्लिमों को सही से नहीं माना जा रहा है। तो जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट दिया, जिसे जिन्ना 14 पॉइंट कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लग रहा था कि इस नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम को सही से नहीं माना जा रहा है, तो जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट दिया, जिसे जिन्ना 14 पॉइंट कहा जाता है। तो अब 3 रिपोर्ट हो गए, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 पॉइंट। तो अब ब्रिटेन में इन 3 रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस लिए किया गया? क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 रिपोर्ट आ गए। कौन कौन से? एक साइमन कमीशन का रिपोर्ट हो गया, एक नेहरू रिपोर्ट हो गया और एक जिन्ना का 14 पॉइंट वाला हो गया। मतलब यहाँ पर 3 रिपोर्ट हो गए। तो अब ब्रिटेन में इन 3 रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 1930 से 1932 के बीच तक। तो यह था महत्वपूर्ण घटनाएं जो 1935 के पहले घटे थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट यह कहता है कि उस टाइम पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कहते लॉर्ड डुंडस। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड डुंडस। और पिछले लेक्चर यानी कि साइमन कमीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। मतलब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए लॉर्ड डुंडस, ये भारत के साथ साथ बर्मा के भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत और बर्मा के पहले राज सचिव कौन हुए? लॉर्ड डुंडस। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, इसे हम लोग याद रखेंगे कि इंडिया और बर्मा के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? वह थे लॉर्ड डुंडस। और इन्हें सेकेंड मार्कस ऑफ जेटलैंड भी कहा जाता है, लॉर्ड डुंडस को। अब हम लोग समझते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि इंडियन काउंसिल जो 1858 के अधिनियम में बनाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक सलाहकारों की एक सभा दिया गया।
मतलब कि 1858 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए एक इंडियन काउंसिल बनाया गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए क्या बनाया गया था? इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल मतलब कि 1858 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए एक इंडियन काउंसिल बनाया गया था और इसमें टोटल 15 मेंबर थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इस काउंसिल को खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर कौन आ गया? एडवाइजर आ गए, मतलब असेंबली ऑफ एडवाइजर, मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक सलाहकारों की एक सभा दिया गया। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया और जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ऑल इंडियन फेडरेशन का गठन किया गया और स्टेट और प्रिंसली स्टेट को एक यूनिट के तरह ट्रीट किया गया। मतलब स्टेट और प्रिंसली स्टेट को एक यूनिट माना गया। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया जिसे हम लोग याद रखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन का स्थापना किया गया, मतलब अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग समझते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या सुधार किए गए केंद्रीय विधान परिषद में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल बना दिया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस भी कहा जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस भी कहा जाता है, अपर हाउस। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होते थे? 145 और काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर होते थे? 60। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यह बदलाव किया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 375। काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबर की संख्या को कितना कर दिया गया? 260। और यह जो 375 लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर थे वो उसमें से 125 प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे और 250 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते थे। और उसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट में जो 260 मेंबर थे उनमें से 156 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते थे और 104 जो थे वो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक और बदलाव यह किया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम बदल करके फेडरल असेंबली कर दिया गया। मतलब अब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा, मतलब अब लेजिस्लेटिव असेंबली को फेडरल असेंबली कहा जाएगा, फेडरल असेंबली। इसे हम लोग ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर, जिसपे हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो फेडरल असेंबली में कितने मेंबर हो गए? 375 और काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर हो गए? 260। और ये जो फेडरल असेंबली में 375 मेंबर होते थे उसमें से 125 प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे और उसमें से 250 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते थे। और उसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट में जो 260 मेंबर होते थे उसमें से 156 ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते थे, और 104 जो थे वो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। तो यह हम लोगों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेचर में किए गए बदलाव, क्या क्या सुधार किए गए वो हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किस तरह से केंद्र में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वय शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। तो इसे हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल से। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट में, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट में, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट,
प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को पुनः दो भागों में बांट दिया गया था, किसमें? ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में। मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया है, सेंट्रल सब्जेक्ट में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को पुनः दो भागों में बांट दिया गया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट में और रिजर्व सब्जेक्ट में। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सब्जेक्ट को तीन भागों में बांट दिया गया है, फेडरल सब्जेक्ट में, कंकरेंट सब्जेक्ट में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। ये सेंट्रल सब्जेक्ट का नाम चेंज करके फेडरल सब्जेक्ट कर दिया गया। तो सब्जेक्ट को कितने भागों में बांट दिया गया था? फेडरल सब्जेक्ट में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। और कंकरेंट जो सब्जेक्ट है इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जोड़ा गया। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सब्जेक्ट को तीन भागों में कर दिया गया, फेडरल सब्जेक्ट, कंकरेंट सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और इस तरह से 59 सब्जेक्ट को फेडरल सब्जेक्ट का पार्ट कहा गया, और उसी तरह से 36 सब्जेक्ट जो थे उन्हें कंकरेंट सब्जेक्ट का पार्ट कहा गया, और 54 सब्जेक्ट जो थे इन्हें प्रोविंशियल सब्जेक्ट का पार्ट कहा गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा फेडरल सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट में और रिजर्व सब्जेक्ट में। और इस ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर जो कानून बनाते थे वे थे वायसराय और मिनिस्टर मिलकर बनाते थे। यहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर कौन कानून बनाते थे? वायसराय और मिनिस्टर बनाते थे। और रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर कौन कानून बनाते थे? वायसराय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते थे, वायसराय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब यह हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सब्जेक्ट को तीन भागों में बांट दिया, फेडरल सब्जेक्ट के ऊपर, कंकरेंट सब्जेक्ट के ऊपर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर, और 59 सब्जेक्ट को फेडरल सब्जेक्ट का पार्ट कहा गया, 36 सब्जेक्ट को कंकरेंट सब्जेक्ट का पार्ट कहा गया, और 54 सब्जेक्ट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट का पार्ट कहा गया, और फेडरल सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट में और रिजर्व सब्जेक्ट में। और ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर जो कानून बनाते थे वे वायसराय और मिनिस्टर मिलकर कानून बनाते थे, और रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर जो कानून बनाते थे वायसराय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर कानून बनाते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो लॉ मेकिंग बॉडी बन गया, मतलब कानून बनाने वाली यहाँ पर दो बॉडी हो गए, एक जो ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना रही है, तो दूसरा बॉडी रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना रही है। ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर जो कानून बना रहे हैं वह कौन बना रहे हैं? वायसराय और मिनिस्टर मिलकर बनाते हैं, और उसी तरह रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर वायसराय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर कानून बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर दो कानून बन रहे हैं, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर कानून बन रहे हैं तो एक रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर कानून बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा सेंट्रल लेवल पर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था स्टार्ट किया गया केंद्र में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, जिसे हम लोगों ने अभी अभी समझ लिया है, तो इसे हम लोग थोड़ा एक बार और रिकॉल कर लेते हैं जिससे हमें आसानी से पूरा क्लियर हो जाए। तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मतलब विषयों का विभाजन। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ बनाने और प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के दृष्टिकोण ने केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों के विभाजन का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा विषयों के विभाजन को संशोधित किया गया। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो विषय का विभाजन किया गया था यहाँ पर उसे संशोधित किया गया, और 1935 के इस अधिनियम द्वारा इसमें कुछ विषयों को जोड़ा गया और तीन सूची शामिल हो गए। तीन सूची कौन कौन हो गए? पहला हो गया फेडरल सब्जेक्ट, दूसरा कंकरेंट सब्जेक्ट और तीसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और फेडरल सब्जेक्ट में कितने आ गए? 59, और कंकरेंट में 36, और प्रोविंशियल में 54। और नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया सेंटर में, जिसे हम लोगों ने अभी अभी समझा। मतलब इस अधिनियम के अनुसार द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, और संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में
विभाजित कर दिया गया, मतलब फेडरल सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर, जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस किए गए भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को 9 जगहों पर बना दिया गया, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को 11 जगहों पर बना दिया गया, और सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया, और बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रोविंस बना दिया गया। और पिछले लेक्चर यानी कि साइमन कमीशन में हम लोगों ने देखा था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था किसके अनुसार, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन से, मतलब यहाँ बंबई से सिंध को अलग कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया, मतलब बिहार अलग और उड़ीसा अलग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अब 11 जगहों पर हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, फ्रंटियर प्रोविंस, असम, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे और सिंध। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 11 जगह पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, 11 में से 6 प्रोविंस में द्वैसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया, मतलब यह कि 11 में से 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म स्टार्ट कर दिया गया, मतलब 11 में से 6 प्रोविंस में अब विधानसभा और विधान परिषद होंगे, मतलब कि अब 11 में से 6 प्रोविंस ऐसे होंगे जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होंगे। और वो कौन कौन से प्रोविंस थे, तो वे बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस और असम, इन 6 प्रोविंस में अब विधानसभा और विधान परिषद भी होंगे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब इन 6 प्रोविंस में अब बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हो गया है। तो यह था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में किए गए बदलाव। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट किया गया प्रोविंशियल लेवल पर, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, मतलब इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब हुआ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया, राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन करने का अधिकार दिया गया और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य है, मतलब यह हुआ कि राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से शासन करने का अधिकार दे दिया गया और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया। उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया मतलब यह हुआ कि गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य था, और यह व्यवस्था जो है 1937 में शुरू हुआ और 1939 में खत्म हो गया, मतलब यह जो व्यवस्था किया गया यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चला, यह तुरंत खत्म हो गया, 1937 में शुरू हुआ और 1939 में खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि यदि दो राज्यों के बीच विवाद हो जाए या फिर राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो इन विवादों को सुलझाने के लिए दिल्ली में फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया 1937 में फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया दिल्ली में, किसके द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिल्ली में फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया था। इस फेडरल कोर्ट का स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि अगर दो स्टेट के बीच में कोई विवाद हो जाता है या फिर स्टेट और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उन विवादों को सुलझाने के लिए ही फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया था 1937 में दिल्ली में। लेकिन 1950 में
और 1950 में इस फेडरल कोर्ट का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था। मतलब यह हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया और इस फेडरल कोर्ट का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। कब? 1950 में। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि इस अधिनियम ने न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया बल्कि एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया बल्कि एक प्रांतीय लोक सेवा और दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। लगभग 10% को वोट देने का अधिकार मिला और इस अधिनियम ने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया गया। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया गया और लगभग 10% को वोट देने का अधिकार मिला। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। अब हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे समझ लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट यह हुआ कि यह जो हमारा अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह अधिनियम भारत में उत्तरदायी शासन के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था और जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थी। मतलब यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 है यह बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थी। और दूसरा पॉइंट यह कहता है कि इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। मतलब यह कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो यह लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।